आठ साल नौकरी करने के बाद कि मैं जिस तंत्र में बैठा हूं उस तंत्र ने हमारे बच्चों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। क्योंकि चाहे सरकारी स्कूल और चाहे प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल का एक ही काम है आपके बच्चे को वैसा बनाना कि वो अपनी अकल का इस्तेमाल ना कर पाए, वो अपने समाज में ना बैठ पाए, वो अपने समाज के दूसरे बच्चों को अपना दुश्मन मान के उससे आगे भागने की दौड़ में निकल जाए और उसका समाज टूटता चला जाए। उसके माँ बाप अपनी चौधर दिखाने के चक्कर में या ब्योत दिखाने के चक्कर में या नंबर दिखाने के चक्कर में ऐसा बना दें कि अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए दौड़ा दें। मैंने उस टाइम कैलकुलेशन करी थी और मैं आज भी ये लोगों को बताता हूँ उस कैलकुलेशन के बारे में कि भाई आपका जो बच्चा है जो दौड़ रहा है नंबरों की दौड़ में और नंबरों से उसको नौकरी मिलनी है, तो जितने फार्म भरे जाते हैं और जितनी नौकरियाँ मिलती हैं वो फार्म भरे हुए का मात्र 0.1% से भी कम होता है। यानी आपका बच्चा 99.9% चांस है कि कन्फर्म फेल होगा, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिलनी है। अगर आप नौकरी के लिए दौड़ रहे हो तो, अगर आप बिजनेस के लिए दौड़ रहे हो तो पूंजीपतियों के लिए पूरे रास्ते तैयार किए जा रहे हैं और छोटे दुकानदारों का रास्ता बंद किया जा रहा है। अगर आप मिस्त्री बनने के लिए या अपने हाथ का काम करने के लिए चल रहे हो तो आपने पिछले 50 सालों का ट्रेंड देखा होगा, इससे पहले की सरकारों ने भी यही किया और ये वाली सरकार भी यही कर रही है कि हमारे पड़ोस का हलवाई तो प्रदूषण फैलाता है लेकिन जीएमओ वाले तेल का इस्तेमाल करके बड़ी कंपनियों में कोई प्रदूषण नहीं है। वो लोग चाहे ब्लेंडिंग के नाम पे कितने मर्जी प्रिजर्वेटिव मिला दें, कितने मर्जी केमिकल मिला दें, चाहे उससे हमारे को कैंसर हो जाए, हमको हार्ट अटैक बढ़ते रहे, हमको कुछ भी होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे आसपास का जो कलेसर होगा, मेरा जो कोल्लू होगा, उसको कहते हैं तुम पोल्यूशन फैला रहे हो। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों से कितना धुआं निकलता है इसका अंदाजा अपने को नहीं होता है। मेरी गाड़ी को तो 10 साल की और 15 साल की अवधि की मान के पूरी हो ली है इसकी अवधि, उसको तो कबाड़ बना दिया जाता है, लेकिन जो बड़े पूंजीपतियों की गाड़ियां उनसे कितना काला धुआं निकलता है अपने को नहीं मालूम है। हमको कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने के लिए कितना निकल निकालने के लिए कितना डीजल फूका जाता है, कितनी खदानें खोदी जाती हैं, कितना मतलब सीमेंट और बजरी बनाने के लिए कितना प्रदूषण होता है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है, ना इतना सोचने का अभी हमारे पास अकल है।